अभी मैं सूरत के एक चौराहे पे हूँ। आपको पीछे एक दुकान दिख रहा है, झटपट स्वीट, और उसके मालिक ये हैं। एयरपोर्ट पे मुझे मिले थे और ये बोले थे कि मेरे दुकान पे आइए, वहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए, और हम लोग यहाँ पे चले आए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, कुछ लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन इनका है। तो सबसे पहले इन्हीं से हम लोग शुरू करेंगे कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। माइकवा छीनिए के बताइएगा। ऐसे ये देखिए, इस बार गुजरात में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनेगी, काहे भाजपा सरकार बनेगी? यहाँ गुजरात में बरसों से भाजपा सरकार रहती है और ये बार भी भाजपा ही रहेगी। इस बार भी भाजपा रहेगी, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? भाजपा सरकार। वोटर लिस्ट में नाम है? जी जी, अभी पहली बार आया है। पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आया है, तो पहली बार किसको वोट देंगे? अभी तो सोचे नहीं है, इंशाल्लाह फिर सोचेंगे। सोचेंगे, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा की? जी, लेकिन अभी तक आपने सोचा नहीं है? नहीं, सोचा नहीं उसका। कौन? नरेंद्र मोदी, भाजपा। आपका? हमारा, नरेंद्र मोदी हमारा है। और बाकी देश के लोगों का नहीं है? नरेंद्र क्या का है? पूरे हिंदुस्तान का है। पूरे हिंदुस्तान का है। तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे कि सीएम चेहरा कोई है यहाँ पे? सीएम चेहरा का नरेंद्र मोदी है पूरे इंडिया में। पूरा इंडिया में सीएम चेहरा नरेंद्र मोदी है? सीएम अपना यहाँ, मतलब कंफ्यूज हो गए हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में शराब बंद है, तब वही कंफ्यूज है, और हम जहाँ से आए हैं वहाँ भी शराब बंद है बिहार में, और दोनों जगह शराब मिलता नहीं है। सही है ना? सही बात। नहीं ना मिलता है? यूपी में मिलता है। गुजरात में बैंड है। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? पहली बार आप इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को। बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफजल। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट देंगे? ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लोग जो है वो बीजेपी को वोट ज़्यादा नहीं करते हैं, और पहली बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आया फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो तो सबका मानना ऐसा है, अब सब सबकी सोच रहती है। अच्छा, बगल में अवेसी जी का भाषण चल रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, चल रहा है कि नहीं? सामने चल रहा है यहाँ पे बगल में। तो क्या अवेसी को आप वोट नहीं देने वाले हैं? उसमें ऐसा है कि आप इंडिया घूमो तो आपको मालूम पड़ेगा सूरत किधर है, अवेसी जी हैदराबाद से, हैदराबाद जाकर देखो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ क्या हो रहा है। यानी हैदराबाद से आगे है सूरत? बिल्कुल आगे है। यानी बगल में जो भाषण चल रहा है अवेसी का, उस भाषण से कोई असर नहीं पड़ता आपको? कोई असर नहीं पड़ता है। उरिया बोला है तो अवेसी का, अवेसी का भाषण था, सभा थी, उसमें उरिया बोला है तो उनका। हाँ, उरिया नहीं आए थे? उरिया बोला है उनके, उनके काला दिन बता दिया था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इत्तेहादुल मुस्लिमीन। किसकी? इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनेगी। अरे तो उसका पार्टी का पूरा नाम बताओ ना। उसका पूरा पार्टी का नाम नहीं पता। अरे जिस पार्टी को तुम वोट देने वाले हो, उस पार्टी का पूरा नाम तो याद होना चाहिए ना तुमको। भले नहीं है, लेकिन मैं वोट दूंगा सिर्फ अवेसी को ही दूंगा। अवेसी को, किसी को नहीं। अच्छा, कौन सा छाप है? छाप है पतंग छाप है। अच्छा, क्यों दोगे वोट उनको? हमारे मुस्लिम अगर कुछ भी हो जाए, दूसरा वीडियो आने वाला है हमारे अवेसी का ही होता है। मुसलमान में चाहे उसका बेटी का बलात्कार क्यों ना हो जाए, कल तक उसका वीडियो आने वाला सिर्फ अवेसी का ही होता है, दूसरा कोई नहीं है हमारे मुसलमान में। सिर्फ अवेसी का होता है। अच्छा, अवेसी कहाँ के हैं? अवेसी हैदराबाद के हैं। हैदराबाद के हैं, और तुम कहाँ के हो? मैं बिहार से हूँ। तुम बिहार से हो, और वोट कहाँ दोगे? वोट गुजरात में। गुजरात में नहीं देंगे, लेकिन जब देंगे इंशाल्लाह अवेसी को ही देंगे। जब देंगे तो अवेसी को ही देंगे, जहाँ भी आए मेरा। जहाँ भी आए, जहाँ भी आए। सिटी, डायमंड सिटी, डायमंड सिटी है सूरत। एक नंबर पे सूरत है अभी। डायमंड सिटी नहीं होता है, डायमंड सिटी अच्छा भी थे। लोग कमाने के कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं। सूरत सोने की चिड़िया है, तो भी बाहर से लोग कमाने आते हैं। तो वैसे तो हैदराबाद भी लोग कमाने जाते हैं, बिहार में भी बहुत लोग हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। अच्छा, तो तुम काहे नहीं हैदराबाद गए? हैदराबाद हम जाके आए। जाके आए, यहाँ पे क्यों आ गए? वहीं पे काम करना चाहिए। मेरा भाई यहाँ सेटिंग हुए थे, मेरा भाई अभी गाँव गए, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आयो? मोदी। किसको? मोदी। मोदी किसको? मोदी। आप? मोदी जी। अरे ससुरा है, देखो इधर इसको पकड़ते हैं। उम्र कितना हो गया तुम्हारा? 16। 16, तो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है तुम्हारा? नहीं। तो वोट कैसे दोगे? हाँ तो पूछा तो क्या? पूछा तो आपने, तो जब वोटिंग कार्ड बनेगा तब दे देंगे। तो वोटिंग कार्ड बनेगा तो किसको जाके दोगे? मोदी जी को। किसकी सरकार बनने वाली है? कांग्रेस की, अंदर खाने कांग्रेस की, जमीन पे काम हो रहा कांग्रेस का। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। किसके? कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की। अच्छा, किधर गए आप लोग? तो बोल रहे थे बीजेपी।
क्या करेंगे, कुछ भी बोलो, आने वाली बीजेपी है, कुछ भी बोलो आने वाली बीजेपी, 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 सोशल मीडिया, मीडिया पे काम आएगी भाजपा हर हाल में 100-100 टका मेरा चैलेंज है भाजपा की सरकार। सुनिए 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 सुनिए, जैसे आपने बोला कि दिल पे हाथ रख के बोलो कि किसको वोट देंगे, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या कांग्रेस की सरकार आने वाली है? बिल्कुल अवश्य आने वाली है, दिल ही कर रहा, अरे दिल कर रहा, अरे दिल आपका इधर नहीं है, इधर है, इधर इधर, अरे आपका दिल भी गड़बड़ जगह पे आ गया है, गड़बड़ जगह, आपका अपना सोच है, हमारा सोच है ये, अरे तो हाँ इधर दिल है, हाँ जी बिल्कुल, इस दिल पे हाथ रख के, नहीं इस दिल में से आप आते वहाँ से हम भी आते बिहार से, तो यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम आपने, बिल्कुल 20-22 साल से यहाँ है, अवश्य यहाँ मेरा नाम है अवश्य सब चीज में। तो बिहार में वोट वोट देने जाते हैं कि नहीं? वहाँ सब यहाँ ट्रांसफर हो गए सर, वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करा लिए, बिल्कुल, और यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं, बिल्कुल, अभी तक बीजेपी थे है नहीं, बिल्कुल, मैं तेज आवाज से बोल रहा हूँ, क्या क्या 27 साल बेमिसाल हो गया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, 4-4 साल में इनकी उम्र हो गई, हो गए ना, अब तैयारी कर रहे वो गुजरात में, बीजेपी की सरकार गुजरात में, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की, अब जिसकी भी बनेगी, जो अच्छा काम करेगा उसी की बनेगी ना। तो कौन अच्छा काम कर रहा है आपके नज़र में इस बार? तो कांग्रेस की बन रही है इस बार, देखिए, अरे आपका भाई मिल गया, किधर गए कांग्रेस वाले भाई साहब, ये देखिए, ये दूसरे कांग्रेसी मिल गए, देखिए पहला कांग्रेसी तब तक भाग गए, यही स्थिति है कांग्रेस का, एगो नेता आता है तब तक दूसरा भाग जाता है, देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, भाजपा ही जीते जी, भाजपा से मेरे को फायदा है, मेरी औरत का ऑपरेशन में 1 लाख रुपये खर्चा था, मोदी किससे हो गया, मैं तो कहता हूँ 99-100 टका भाजपा जीतेगी, यहाँ भाजपा की सरकार के सिवा कोई की नहीं बनेगी, चाहिए लोट फोट कर ले तो भी, मेरा चैलेंज भाजपा ही बनेगी गुजरात 100-100 टका, सीआर पाटिल ये लोग मिलकर अगर भाजपा सरकार नहीं बनाता क्यों, मेरे को भाजपा भी बनेगी, मेरा बीजेपी को आने वाला है, मेरे हिसाब से 140 ऊपर आएगी, 140 अवेशी को कितना सीट आएगा? अवेशी की तो एक भी नहीं आएगी, मेरा चैलेंज 0-0 अच्छा एक बात बताइए कि इस चुनाव में जो श्रद्धा और आफताब केस हुआ है, जिसमें श्रद्धा नाम की लड़की को जो है 35 टुकड़ों में काट दिया गया है, क्या वो मुद्दा रहेगा? माफी चाहता हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इस पे बोल नहीं सकता हूँ, मतलब ये मुद्दा नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, जानकारी नहीं तो मैं क्यों बोलूँ भाई सर, इसमें जानकारी मुझे नहीं है। आज के 10 साल पहले कितना तनख्वाह था आपका? कितना तनख्वाह था बोलिए ना, आप बताइए ना, आप बताइए ना, कितना, आप कितना बन गया? मैं जवाब देता हूं आपको, मैं 10 साल पहले कुछ नहीं कमाता था, आज महीने का 50,000 कमा रहा हूँ। पैदा होता है तो पैदा के साथ कमा ले, बड़ा होगा तब कमाएगा। 10 साल पहले थोड़े पैदा हुए होंगे, 30 साल के हो गए, 23 साल की होगी, 14 साल या 13 साल पहले 10 साल का कमाएगा नवालिक कि पढ़ाई करेगा। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? MD निराले शेख। अच्छा न्यूज व्यूज देखते हैं? सब देखते हैं, आपका तो ज्यादा देखते हैं। हाँ मेरा ज्यादा देखते हैं। हाँ बिहार का हूँ ना इसके लिए। हाँ बिहार के है इसलिए। मनीष भाई बिहार के सुपरस्टार। योगी जी आए हैं गुजरात में, आए और बुलेट ट्रेन आ रही है। सपनों में आएगी, चुनाव चला जाएगा, रेल की पटरी निकल जाएगी। सुना है कि योगी जी के रैली में बुलडोजर भी आया था। योगी जी सूरत से अब कच्छ पहुंच गए, कच्छ पहुंच गए। क्या लगता है अब बुलेट ट्रेन आ रही है? योगी जी आएंगे ना तो पूरा बुलडोजर से बिल्डिंग को सफा करके यहाँ मैच होगा, फील्ड बनेगा। रहेगा तो खत्म होएगा, गैर कानूनी रहेगा वो खत्म होना चाहिए बुलडोजर से कि नहीं खत्म होना चाहिए? वो आप बताइए, गैर कानूनी रहेगा तो खत्म होएगा? मैं भी अगर गैर कानूनी किसी का कब्जा करके रखूंगा तो मेरा भी टूटेगा। आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम क्या की है वो बताइए। अरे रुक जाइए, फ्री का खिलाइए इनको भाई। बहुत से अच्छे काम किए। क्या हॉस्पिटल बनाई है, फ्री में इलाज हो रहा है। अभी एक भाई का 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में हुआ है, दिल्ली में मेरा दोस्त है, उसका एक भी रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। ये खाइए मिठाई, खाइए मिठाई, लाइट बिल बिल्कुल फ्री आ रहा है। 5 साल से एक भी लाइट बिल बिल्कुल फ्री आ रहा है, लाइट बिल बिल्कुल फ्री आ रहा है। 10-12 रुपया बिल आ रहा है खाली, 10-12 रुपया बिल आ रहा है। तो आप भी 10-12 रुपया बिल देना चाहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, डबल बिल आ रहा है, बिल्कुल डबल डबल बिल आ रहा है। हाँ जितना आ रहा था उससे डबल। चलिए तो मिठाई खा लीजिए कम से कम थोड़ा सा। ये देखिए, ये केजरीवाल के समर्थक जो है बीजेपी का मिठाई खा रहे हैं, क्या पता जो है अब आपका मूड बदल जाए। क्या आम आदमी पार्टी आएगा? क्या आम आदमी पार्टी आएगा? आम आदमी पार्टी आएगा, किस कौन आएगा? बीजेपी। कौन आएगा? बीजेपी। कौन आएगा? आम आदमी। कौन आएगा?
आम आदमी। ससुरा तुम बोलेगा कहाँ से, तुम तो मुंह में इतना ना ज्यादा गुटका रखा है कि पूरा सूरत को गंदगी अकेले कर देगा, सही है कि नहीं है? इतना मुंह में गुटका लेके घूमेगा बोलेगा तो पूरा सूरत गंदा होगा तो साफ कौन करेगा बताओ? योगी, योगी योगी साफ करेगा। मतलब कि गंदगी तुम फैलाओ और साफ करेगा योगी? बताओ 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 बताओ। पहले अपने दांत तो साफ कर लो। अच्छा ये बताओ, ए सुनो सुनो सुनो, मुंह से तुम्हारा थूक निकल रहा है, पूरा माइक तो तुम थूक के भर दिए, थोड़ा साइड में होके बोलना। इतना मुंह गंदा किए हो और फेंकोगे कहीं भी, इतना तो गंदा जो है वो सार्वजनिक शौचालय नहीं होता है। देखो कितना गंदा है, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, तुम क्यों भाग रहे हो, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। और जितने भी लोग जो है गुटखा खा के सड़कों पे गंदगी फैलाते हैं वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। बाकी यहाँ से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और हाय मनीष सर के बीच में, क्या नाम हुआ आपका? मैं भी मनीष ही हूँ और मैं आपको फेसबुक पे यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। आप हमको वोट देने वाले हैं इस बार गुजरात चुनाव में? हम तो ऐसे देखा जाए तो पिछले काफ़ी सालों से बीजेपी आ रही है, तो मुझे तो इस बार भी बीजेपी लग रही है। हाँ हालांकि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कुछ कुछ सीटें जरूर लेने वाली है। आम आदमी पार्टी कितना सीट लेगी? मेरे हिसाब से 20 तक सिमट जाएगी उससे। 20 और कांग्रेस? कांग्रेस के तो कांग्रेस की भी 15 से 20 सीट, उससे बाकी सब सीट बाकी सब बीजेपी आएगी। बाकी सब बाकी एक भी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। हाँ शायद अच्छा, ओवैसी का भाषण उधर बगल में चल रहा है, बगल में देख सकते हैं। ओवैसी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। 4 से 5 सीटें ओवैसी को नहीं मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी। ओवैसी को मिलेगा, पार्टी का चांस है। पिछली बार भी 3 से 4 सीटें ओवैसी को मिली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उनका बेस बन चुका है, तो शायद 4 सीटें उनको वापस मिल सकती है। चलिए झटपट स्वीट से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।